बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, चीन ताइवान विवाद को लेकर यह बड़ी खबर है। जब से अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा हुआ है, तब से चीन ताइवान को युद्ध अभ्यास और पाबंदियों से डरा रहा है, लेकिन अब ताइवान ने भी चीन पर पलटवार किया है। ताजा और बड़ी खबर यह है कि ताइवान ने भी अपने दक्षिण पूर्वी तटीय इलाके में मिसाइल और तोप से गोले दागकर युद्ध अभ्यास किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, तब से जब से नैन्सी पेलोसी का ताइवान का दौरा हुआ है, तब से ही चीन लगातार ताइवान को डरा रहा था युद्धाभ्यास के जरिए, प्रतिबंधों के जरिए, लेकिन अब ताइवान ने भी पलटवार किया है, जवाब दिया है युद्धाभ्यास के ही जरिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, अब ताइवान भी एक्शन में नजर आ रहा है, जवाब दिया युद्धाभ्यास के जरिए। जी बिल्कुल, ताइवान की तरफ से भी जो सैनिक युद्धाभ्यास है वो शुरू कर दिया गया है, और इस सैनिक युद्धाभ्यास के कई कारण भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से चीन की तरफ से चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने जो निर्धारित सैन्य अभ्यास था उसके बावजूद उसकी मियाद खत्म होने के बाद उसकी मियाद बढ़ाई है, कहा है कि वो लगातार इस पूरे इलाके के अंदर यानी ताइवान जलतंत्र मध्य के इलाके में सैन्य अभ्यास करती रहेगी, ऐसे में ताइवान के ऊपर संकट भी है। और ताइवान की तरफ से कहा गया है कि जो सिमुलेशन है ये ऐसा लग रहा है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, और ऐसे में उसके लिए युद्धाभ्यास बहुत जरूरी हो जाता है। और जी अगर आप कल के ही आंकड़े देखें तो चीन के करीब 39 जहाज जो हैं यानी विमान जो हैं वो उस पूरे इलाके के अंदर डिटेक्ट किए गए, इसके अलावा करीब 14 जो हैं नौसैनिक पोत उस इलाके में डिटेक्ट किए गए हैं, और 21 जो युद्धक विमान है चीन के उन्होंने चीन की ताइवान की जो हवाई हद है जिसको एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन कहा जाता है उसकी हद लांघी है। तो ऐसे में ताइवान के लिए अब ये एक कह लीजिए अस्तित्व का संकट है। तो ऐसे में ये जो सैन्य युद्धाभ्यास आप देख रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है कि दुनिया के लिए पूरे घटनाक्रम से चिंता जरूर बढ़ी है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी तो चली गई लेकिन इस पूरे इलाके में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, ऐसे में चिंता इस बात को लेकर भी है कि इस पूरे इलाके से जो होने वाला ट्रेड है, यहाँ से जो मरीन ट्रैफिक होता है यानी जो पोतों की आवाजाही है वो भी प्रभावित हो रही है इस पूरे कारण इसके कारण, और इसमें सप्लाई लाइन डिस्ट्रप्शन जो है उसकी भी आशंका बहुत बढ़ गई। लेकिन प्रणय, ये तो एक संदेश देने की कोशिश है ताइवान की भी तरफ से कि अगर चीन ऐसे कदम उठाएगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे या चुप नहीं बैठेंगे या कमजोर कम से कम दिखाई नहीं पड़ेंगे, एक मैसेज है जी। बिल्कुल, न केवल ताइवान की तरफ से ये मैसेज है बल्कि अमेरिका ने भी जो अपना सातवां बेड़ा है जो कि पैसिफिक के इलाके में उसकी जो इंडो पैसिफिक कमांड है उसने भी सक्रिय कर दिया है, और इस पूरे इलाके के अंदर एक तरीके से सैन्य टकराव की जो स्थिति है चाहे चीन और ताइवान के बीच हो या अमेरिका और चीन के बीच में हो वो काफी बढ़ी है, क्योंकि जो नौसैनिक युद्धपोत हैं वो काफी कष्ट कर रहे हैं। साथ ही जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल है वो ताइवान की सेना की तरफ से भी की जा रही है, जैसे कि कॉम्बैट एयर पेट्रोल होता है जब लड़ाकू विमान हवा में गश्त करते रहते हैं ताकि निगरानी की जा सके पूरे इलाके। बिल्कुल प्रणय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चीन ने लगातार डरा रहा था ताइवान को अलग अलग प्रतिबंधों के जरिए, युद्धाभ्यास के जरिए, लेकिन अब ताइवान ने भी युद्धाभ्यास के जरिए एक संदेश देने की, जवाब देने की कोशिश की है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।